हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अभिनव ओझा एंड यू आर वाचिंग हैशटैग अनसीन। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जब आप हॉस्टल ज्वाइन करने वाले होंगे या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स जो है वो अब सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब वो हॉस्टल ज्वाइन करेंगे या फिर लाइफ में कभी ना कभी आपको हॉस्टल लाइफ फेस करना ही पड़ता है। सो आज हम लोग बात करने के कौन से इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसको आपको हॉस्टल में जब जा रहे हैं तब हॉस्टल में ले जाना जरूरी होता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू दैट प्लीज सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड योर फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो प्लीज कमेंट डाउन योर फीडबैक। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों से। बेसिकली मैंने एक लिस्ट तैयार कर लिया है सारे चीज़ों का, और लिस्ट जो है थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे जैसे मुझे याद आते गया जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैं नोट डाउन करते गया। सो थोड़ा आप मैनेज करिएगा। सो स्टार्टिंग थिंग्स, सबसे पहला चीज़ है वो है मैट्रेस। यस गाइस, लॉट्स ऑफ हॉस्टल में, अगर VIP हॉस्टल्स का बात छोड़ दें, नॉर्मल हॉस्टल का अगर बात करें, वहाँ यदि आप शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं पहले बता देता हूँ। वहाँ पर आपको बेड मिलेगा, ठीक, विदाउट मैट्रेस, विदाउट बेडशीट, विदाउट पिलो कुछ नहीं मिलेगा, बस बेड रहेगा। बेड के अलावा एक चेयर रहेगा, एक स्टडी टेबल रहेगा, मतलब बड़ा वाला टेबल रहेगा लैपटॉप वाला, और एक चेयर रहेगा और एक वार्डरोब रहेगा, और बाथरूम अटैच रहेगा या फिर कॉमन बाथरूम रहेगा। सो ये चीज़ें आपको मिलती है। तो इसके अलावा हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो चीज़ ज़रूरी होता है मैट्रेस, यानी गद्दा। गद्दा आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर VIP हॉस्टल्स का बात करते तो बाकी जितने भी नॉर्मल हॉस्टल्स हैं उनमें गद्दा जो होता है वो मतलब नहीं दिया जाता है, तो वो स्टूडेंट के यहाँ से वो ही कैरी करना पड़ता है। सो अगर मैट्रेस लेते हैं तो उसके साथ सेकेंड चीज़ है बेडशीट, आपको कैरी करना है। बेडशीट के साथ आपको पिल्लो कवर, पिल्लो और पिल्लो केस कवर कर लेना है। सो ये चीज़ें ज़रूरी हो गया आपके बेड के लिए। इसके साथ अगर ठंडे का दिन है, अगर ठंडे का दिन नहीं है तो एक ब्लैंकेट ज़रूरी है आपके लिए, एक ब्लैंकेट लेकर जाइए या फिर एक नॉर्मल चद्दर या फिर बेडशीट भी लेकर कैरी कर सकते हैं। बढ़ते आगे, और अगला चीज़ जो ज़रूरी है आपको कैरी करना है वो है आपका बकेट और मग। यस गाइस, ये भी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता है, ये स्टूडेंट के द्वारा ही कैरी करना पड़ता है, एक बकेट और एक मग। बकेट मग के अलावा आपका जितने भी डे टू डे यूजेस का चीज़ें, जैसे ब्रश हो गया, कोलगेट हो गया, आपका फेस वॉश हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, एवरीथिंग जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, परफ्यूम हो गया, एवरीथिंग विल बी कैरी बाय यू। सो आप अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए आपको क्या क्या मतलब डे टू डे बेसिस पर यूज़ करना होता है। सो वो चीज़ें आपके आप ही कैरी करेंगे, हॉस्टल के द्वारा नहीं दिया जाता है। सो नेक्स्ट थिंग इज आपका, हाँ बात ये टॉवेल। टॉवेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का टॉवेल छूट जाता है। सो बकेट मग के साथ साथ आप टॉवेल भी ले लीजिए। सो ये तो रही एकदम ज़रूरी डेली नीड्स की चीज़ें। अब बढ़ते हैं आगे, आपको क्या क्या और चीज़ें लेना है। सो सबसे पहले आप अपने लिए एक ट्रॉली बैग या सूटकेस खरीद लीजिए, यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप एक बड़े साइज़ का जो आता है ट्रॉली वो खरीद लीजिए, क्योंकि वो आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। आप किसी भी VIP या फिर सफारी किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, नॉर्मल कंपनी का भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप ब्रांडेड ही लें। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इसके अलावा आते हैं अब नॉर्मल चीज़ों पर। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई मास्क। यस गाइस, आई मास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, उनके ध्यान में नहीं आता है कि आई मास्क का भी ज़रूरत पड़ेगा। बट गाइस ट्रस्ट मी, आई मास्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। देन जब आपको रूममेट्स में रूम शेयरिंग जितना आपका रूम रहता है सब शेयरिंग रहता है, आइदर डबल शेयरिंग रहेगा या फिर ट्रिपल शेयरिंग, तो क्या पता आपका रूममेट कब, उसका मतलब शेड्यूल क्या है सोने का, वो मे बी लेट सोता हो या फिर उसका जो एग्ज़ाम्स है वो लेट होता है जिसकी वजह से वो लाइट जला है, तो उस टाइम आपको स्लीपिंग सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो वो तो आप बोल नहीं सकते उसको लाइट बंद करने के लिए। सो बेटर टू बी डिफेंड आवर सेल्फ, आप एक आई मास्क ले लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मास्क के अलावा आप एक ईयर प्लग ले लीजिए, ईयर प्लग वो फ़ोन वाला ईयर प्लग नहीं, एक दूसरा ईयर प्लग आता है टू मतलब जो बाहर का नॉइज़ है वो नॉइज़ रिमूविंग करने के लिए, वो एक ईयर प्लग आता है, वो नॉर्मली किसी भी दुकान पे मिल जाता है। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेम चीज़ के लिए आपका रूममेट मे बी किसी से चिटचैट कर रहा हो, फ़ोन से बातें कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो, बहुत सारे लड़के आए हो बट आपको सोना हो, तो फिर उस टाइम आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है सोने में। सो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो गाइस कमिंग टू द नेक्स्ट इज योर मेडिसिन किट। यस गाइस, मेडिसिन
किट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको आपके हॉस्टल लाइफ के लिए, बिकॉज कभी भी आपको फीवर, सर दर्द, ये नॉर्मल चीज़ें आपको होती रहती है। सो मतलब हॉस्टल का खाना जो होता है वो मतलब उतना हाइजेनिक, उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इशू आने लगते हैं। ये ट्रस्ट मी गाइस, ये इशू आते ही आते हैं। सो आपको बेसिक मतलब कॉम्बी फ्लैम, ये सब चीज़ें जो है, सर दर्द, उल्टी वगैरह का, मतलब नॉर्मल जो चीज़ें हैं, नॉर्मल जो मेडिसिन है वो आपको रखना चाहिए। और उसके साथ एक रखिए इलेक्ट्रॉल, इलेक्ट्रॉल जो पाउडर आता है या फिर ग्लूकोज वो भी रखिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट इज योर कैटल। यस गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉस्टल लाइफ के लिए। यस गाइस, जो आपको हॉस्टल में खाना मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस, 100% आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आपको कुछ अलग से बनाना जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो ना उतना टेस्टी होता है, ना उतना हाइजीनिक होता है, ना इतना न्यूट्रिशियस होता है। सो गाइस, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब काम में आता है। आप इससे ओट्स बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, कॉफ़ी कुछ भी बना सकते हैं, बट ये एक ले लेते हैं यदि आप, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए यूज़फुल रहता है ये चीज़। एंड गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट इज आपका थर्मस। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो मिल्टन का आता है, जो मतलब जिसमें जिस स्टेट में मतलब लिक्विड डाला जाता है उसी स्टेट में 24 आवर तक रहता है। सो ये गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है आपके हॉस्टल लाइफ के लिए। लाइक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यदि आप जो टी होता है, चाय जो होता है या फिर कॉफ़ी जो होता है, वो कैंटीन में शाम को मिलता है, जो मेस होता है वो मेस में शाम को मिलता है। सो बेसिकली गाइज, आप उस समय लेकर आप इसमें डाल सकते हैं, और यदि आप रात में पढ़ रहे हैं या फिर रात में एग्जाम हो, सो उस टाइम आपको वो लेने मतलब कॉफ़ी और वो जो टी होता है वो उस टाइम तक गर्म रहता है, पूरी रात गर्म रहता है। सो आप कभी भी उसको ले सकते हैं। सो समझ सकते हैं गाइज, ये कितना यूज़फुल चीज़ है। और गाइज, इसके साथ साथ आप मैगी का कुछ पैकेट्स ले लीजिए, ओट्स का कुछ पैकेट ले लीजिए, कॉफ़ी का कुछ पैकेट ले लीजिए, कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, बिकॉज स्टार्टिंग डेज में थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, और फिर वहाँ के मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग फिर आप वहाँ से भी आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और गाइज, नेक्स्ट इज़ वन मोर वेरी वेरी यूज़फुल थिंग, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थिंग है, वो है आपका क्लोथ बैग। यस गाइज, ये भी बहुत कमाल का चीज़ है हॉस्टल लाइफ के लिए। आप अच्छे से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हाँ, इस पहले देख लीजिए, ये इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी सुपरमार्केट में या किसी भी बाज़ार में आपको ये चीज़ है, ये चीज़ मिल जाएगा। ये गाइज है क्या, ये क्लोथ बैग या फिर क्लोथ केस, कुछ भी इसको बोल लीजिए। इसमें होता क्या है बेसिकली गाइज, हम लोग जब आते हैं हॉस्टल का, जो होता क्या है सीन, बेसिकली जो क्लोथ्स होता है वो हम लोग सैटरडे या फिर संडे को धोते हैं। सो बेसिकली बाकी जो रेस्ट ऑफ द वीक के जितने भी सॉइल क्लोथेज या फिर जो भी हमारे नॉर्मल डे के क्लोथेज है वो हम लोग खोलते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब गंदा हो जाता है, चूहे काटने का ये मतलब डर रहता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। सो ये जो चीज़ है गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप खोलिए और इसमें डाल दीजिए बस, और एट द लास्ट ऑफ द वीकेंड आप अपना उसमें से निकाल के धो लीजिए। सो गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, आपको ये चीज़ें कहीं भी मिल जाएगा। सो गाइज, कमिंग टू द नेक्स्ट इज योर हैंगर। यस गाइज, हैंगर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैंगर मतलब जो क्लोथ्स को हैंग करने के लिए जो हैंगर होता है वो बेसिकली आप दो ले लीजिए, दो इनफ रहेगा। एक दरवाजे के पीछे लगा सकते हैं, एक कहीं दीवार पर लगा सकते हैं, वो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके यूनिफॉर्म्स को हैंग करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ योर रोप। यस गाइज, रोप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको मे भी ऐसा हो सकता है कि रूम में आपको इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक रोप को बांधना पड़े, बिकॉज ऐसा सारे लड़के को नहीं मिलता है कि जस्ट रूम के बाहर ही आपका गैलरी, वैसा गैलरी हो जहाँ पर आप रोप लगा सके इजीली। सो रूम में भी आप रोप लगा सकते हैं, वो किस लिए, वो जब आप क्लोथ वॉश करेंगे उस क्लोथ को ड्राई करने के लिए। सो गाइज, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज योर हैंगर एंड योर रोप, रस्सी। एंड गाइज, नेक्स्ट थिंग इज योर एक्सटेंशन बोर्ड। यस गाइज, एक्सटेंशन बोर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यदि आपके पास फ़ोन से लैपटॉप से तो वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा मतलब उनको चार्ज करने के लिए वो एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि पता नहीं आपको बेड कहाँ मिले, आपको बेड जस्ट बोर्ड के पास मिले या फिर बीच में मिले, कहाँ मिले। सो उस केस में ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है आपको मोबाइल चार्ज करने में, आपको बेड तक वो इलेक्ट्रिसिटी को लाने में। थिंग इज योर कप, टी कप या फिर कॉफ़ी मग, जो भी आप यूज़ करते हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
इन टर्म्स ऑफ यदि आप मेस में जाते हैं तो फिर उस टाइम भी आपको जरूरत पड़ता है, या फिर मैंने जैसे बोला कि आप वहाँ से मेस से अगर शाम को टी ले लिए या रात को यूज़ करना है उसको, तो फिर उसके लिए भी कप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ योर एक्स्ट्रा प्लेट्स, एक्स्ट्रा स्पून्स, एक्स्ट्रा ग्लासेस, एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट दो दो चीज़ें तो रखिए, क्योंकि बेसिकली जब आप रात में स्टार्ट करते हैं कुछ भी पकाना या फिर मैगी हो गया कुछ भी हो गया, तो आपके अगल बगल रूम वाले आएंगे ही आएंगे, सो उनको देने के लिए एक्स्ट्रा प्लेट्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर प्लेट्स तो आपको इसलिए भी एक तो मिनिमम एक तो लेना ही पड़ेगा मेस के लिए, क्योंकि मेस का जो प्लेट्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, अनहाइजेनिक होता है, सो आपको अपना प्लेट एक कैरी करना ही पड़ेगा। एंड गाइज नेक्स्ट इज योर लैपटॉप। यस गाइज, यू आर सीइंग बिहाइंड लैपटॉप भी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कोर्स। यदि आप इंजीनियरिंग या फिर उस टाइप के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको तो लैपटॉप नेसेसरी हो जाता है, बट अगर आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप ले लेते हैं तो आपको यूजफुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन PPT बनाना पड़ता है, सो उन केस में आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। या फिर मूवी देखना है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, सो आपके पास अगर लैपटॉप है तो कैरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज टोटली ऑप्शनल थिंग्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेंगे कि नहीं लेंगे, इज योर स्टडी टेबल। जैसे जो छोटा वाला आता है स्टडी टेबल, वो क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक मुझे भी जो वो चेयर और टेबल वाला होता है वो उस पर मुझे लिखने में प्रॉब्लम होता है, उस पर मैं नहीं लिख पाता, मैं बेड पर ही यूजुअली लिखता हूँ, तो फिर बेड के लिए भी एक छोटा वाला स्टडी टेबल आता है जिस पर आप बेड पर मतलब बैठ कर और फिर वो टेबल रख के उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। सो ये भी स्टडी टेबल आपको कहीं भी इजीली मिल जाता है छोटा वाला, सो ये भी आप कैरी कर सकते हैं, बट ये टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं लेना है। कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर, आप एक डायरी या फिर एक जर्नल आप ले लीजिए। यस, आप एक डायरी या फिर जर्नल ले सकते हैं जिस पर डेली बेसिस पर आप अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ भी आप अपना नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि आप नए नए हॉस्टल में जाएंगे तो सब कुछ नया होगा, आपका फ्रेंड्स सब कुछ नए नए बनेंगे, मतलब किसी भी चीज़ से आप मतलब सब कुछ से आप अनजान रहेंगे, कोई भी चीज़ आपके लिए पुराना नहीं होगा, सो आप नए नए एक्सपीरियंस नए नए चीज़ें आप उस डायरी में या फिर उस जर्नल में आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइज ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑस्ट्रेलियर, सो ये चीज़ें जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कैरी करने के लिए। यदि मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या मैं मिस कर रहा हूँ। सो गाइज ये सब चीज़ों आप रखते हैं तो आपका मतलब काम चल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कोई कुछ किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एक छोटा सा वीडियो मैंने एक शेयर किया, मतलब कि क्यों ना ये सब चीज़ें बताया जाए, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे जो बच्चे वो हॉस्टल में जाएंगे, सो ये सब चीज़ें वो सब उनके दिमाग में होगा क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। सो गाइज मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया इसके ऊपर, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के और अमेजिंग और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए, और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, चिट चैट हम लोग वहाँ पे करते हैं। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय।